और अब खबर हरियाणा से। पैसा बनाना तो कोई सरकारी महकमों से सीखे। हरियाणा के वन विभाग ने करोड़ों रुपए खर्च किए पौधे लगाने के लिए, लेकिन ये पौधे जमीन में नहीं सिर्फ कागजों में ही लगाए गए। करीब 20 हेक्टेयर के इस टुकड़े पर इस साल करीब 10,000 पौधे लगाए गए, पर हकीकत आपके सामने है। ये नजारा सिवाना नहर का है। वन विभाग ने कागजों में यहाँ 5,500 पौधे लगाए हैं, पर दिखे महज 550। झज्जर जिले में करीब 200 जगहों पर चले पौधारोपण कार्यक्रम का यही हाल है। आरोप है कि वन विभाग के कर्मचारियों ने इस योजना के 5.5 करोड़ रुपए डकार लिए। के बोले रेंज में उनको बोला कि तुम्हारी पेमेंट हो चुकी मार्च तक की। फिर हम दोबारा ये नया साहब आया, इसके पास गए, इसने सारे सस्पेंड कर दिए कार्रवाई करके और चोरी से पेड़ लगाए थे, हमने छापा मरवाया। पौधारोपण घोटाले की रिपोर्ट में कहा गया है कि भ्रष्ट अधिकारियों ने अपने बचाव के लिए रातों रात यूकलिप्टस के पौधे लगवाए, जबकि अब यूकलिप्टस लगाने पर रोक है। कुछ इरेगुलरिटीज प्राइमा फसाई पता चली थी यहाँ पे, तो उनके बारे में 5-6 टीमें बनाई गई थी। उन टीमों ने अपनी चेकिंग पूरी कर ली और उस चेकिंग रिपोर्ट के आधार पे जो अनियमितताएँ पाई गई उनमें करीब 9 कर्मचारियों को निलंबित किया गया। हरियाणा में सिर्फ 7% जमीन पर जंगल है। हरियाणा को हरा भरा बनाने के लिए विश्व बैंक और केंद्र से करोड़ों रुपए की मदद मिलती है। यही पैसा हड़पने के लिए अफसरों ने धांधली की। इस जमीनी हकीकत को देखने के बाद ये पता चलता है कि ये पौधे हर साल भ्रष्ट अधिकारियों की कागज पर उगते हैं और पैसों का फल देकर सूख जाते हैं। ये खेल हर साल खेला जाता है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद राज्य सरकार ने खामोशी अख्तियार कर रखी है। झज्जर से कैमरा पर्सन संजय कौशिक और सुरेंद्र के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया के लिए।